सो गाइस दिस इज ऑल न्यू अपडेटेड बजाज पल्सर N250 का आप रेड कलर आप हमारे सामने देख सकते हैं। कंपनी ने इस गाड़ी में आपको टोटल 3 कलर को लॉन्च किए हैं। एक तो आपको रेड, साथ साथ आपको ब्लैक कलर, और इसमें आपको जो तीसरा कलर मिलता है जो कि आपको व्हाइट कलर देखने को मिलेंगे। तो आज हम इस वीडियो में इस गाड़ी का फुल डिटेल ऑलराउंड रिव्यू करने वाले हैं। इस गाड़ी का अभी का ऑन रोड प्राइस क्या है, इससे आप माइलेज कितना का निकाल पाएंगे, टॉप स्पीड क्या है, और साथ साथ इसमें आपको क्या क्या फीचर्स को एड ऑन किया गया है। पुराने वाले से कंपेयर किया जाए तो मात्र इस गाड़ी का आपको प्राइस 1000 रुपीज ही इंक्रीज किया गया है, और फीचर्स आपको भर भर के दे दिए गए हैं। हर एक उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस सबसे पहले आप इसका की देख सकते हो, जो कि आपको वेब डिजाइन में की देखने को मिलेगा। दो की आपको कंपनी की तरफ से मिल जाता है, और इधर आप देख सकते हो इसका ब्लैक कलर। वैसे आप उसका भी डिटेल रिव्यू देख सकते हो चैनल पे जाके। इस जगह पे आपको की के स्लॉट देखने को मिलेंगे। जैसे आप की को इंसर्ट करते हो और ऑन करते हो तो इसका आप यहाँ पे फ्रंट डिजाइन देख पाओगे, जो कि आपको कितना ही एग्रेसिव देखने को मिलता है। आपको DRL लाइट देखने को मिलेंगे, जो कि आपको फुली LED में ही दिया गया है। इस जगह पे आपको बड़े से आपको बाईफंक्शनल LED प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिलते हैं। फ्रंट फेस है जो कि आपको लगभग सिमिलर ही मिलने वाले N150 और N160 के जैसा ही, बट इसका जो लुक है जो कि आपको हल्के से ब्रॉड देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको डुअल टोन कलर में आपको स्टिकर दे दिया गया है। नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे आपको फ्लोटिंग टाइप में मडगार्ड दिया गया है, जो कि आपको डुअल टोन कलर में देखने को मिल जाएगा। रेड और ब्लैक कलर के टच देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखें तो डुअल चैनल ABS का इस गाड़ी में आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। ये आपको पहले भी देखने को मिलते थे, बट यहाँ पे आप इसका सबसे बड़ा अपडेट देखेंगे, जो कि अब इस गाड़ी में आपको अप साइड डाउन सस्पेंशन दे दिए गए हैं। आपको 37mm के देखने को मिलते हैं, और इसका आप कलर देख सकते हैं जो कि आपको टोटली गोल्डन कलर के दिए गए हैं। बट इसके ब्लैक कलर वाले में जाएंगे तो वहां पर आपको टोटली ब्लैक कलर के साथ ही देखने को मिलता है इसका अप साइड डाउन सस्पेंशन। ऊपर की ओर आएंगे तो यहाँ पे आप इसका इंडिकेटर देखेंगे, जो कि आपको फुली LED में दे दिया गया। बट यहाँ से मिसिंग पॉइंट ये है कि इसमें अभी भी आपको 1000 लाइट के पॉइंट नहीं देखने को मिलते हैं। इसी के जस्ट नीचे देखें तो यहाँ पे आपको फ्रंट में 300mm के आपको डिस्क देखने को मिलेंगे। फेटल डिजाइन में दिया गया, दोनों ही चक्के में आपको ABS मिल जाता है। यहाँ पे देखें तो आपको ग्रामिका का आपको ब्रेक कैलिपर्स दिया गया है, और टायर का साइज देखेंगे जो कि पुराने वाले से आपको मोटे कर दिए गए। अब इस गाड़ी में आपको 110 सेक्शन के इसमें आपको टायर दिए गए, जहाँ की आपको 17 इंचेस के आपको यहाँ पे अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे। डुअल टोन कलर में आपको यहाँ पे भी आपको स्टिकर मिल जाता है। MRF कंपनी की तरफ से इसमें आपको टायर देखने को मिल जाएगा। और जब गाड़ी के आप साइड प्रोफाइल की ओर आएंगे तो यहाँ से इस गाड़ी का आप साइड प्रोफाइल को भी चेकआउट कर सकते हैं। साइड से भी आपको प्रीमियम फील होने वाला है। सेम डिजाइन आपको N160 के जैसा ही देखने को मिलता है, बट इसमें जो अलग ग्राफिक्स है जिससे ये गाड़ी अलग ही देखने को मिलती है। यहाँ पे देखिए तो आपको डुअल और ट्रिपल टोन कलर में आपको यहाँ पे ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे व्हाइट कलर देखेंगे, इधर आपको रेड कलर और साथ साथ आपको ग्रे कलर के साथ आपको यहाँ पे स्टिकर दिया गया है। यहाँ पे आपको रेड कलर के साथ आपको 250 को भी मेंशन किया गया है। इस तरफ देखें तो आपको टैंक कॉल में आपको यहाँ पे पल्सर को ब्रांडिंग किया गया है, जो कि आपको डार्क क्रोम के साथ देखने को मिल जाता है। बट ए वाला पार्ट देखेंगे जो कि आपको टोटली मेटल में ही देखने को मिलते हैं, और ये आपको ग्लॉसी रेड कलर के साथ दिया गया है। कलर का क्वालिटी है वो आपको अच्छे देखने को मिल जाएंगे। E20 को ये गाड़ी सपोर्ट करने वाली है, और 14 लीटर के इसमें आपको टैंक कैपेसिटी भी देखने को मिलते हैं। इधर देखे यहाँ पे आपको USB चार्जिंग पॉइंट के आपको यहाँ पे स्लॉट मिल जाते हैं। सीट की ओर आएंगे तो यहाँ पे आपको स्प्लिट में सीट दिया गया है। राइडर और पिलियन को दोनों को ही बैठने में कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, पुराने के जैसे ही देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे N250 को भी मेंशन किया गया है। इसी के जस्ट नीचे आएंगे यहाँ पे आपको साइड में एग्जॉस्ट माउंट किया गया है, छोटे से एग्जॉस्ट देखने को मिलते हैं। बट एडवांटेज ये है कि इसमें आपको यहाँ पे डुअल बैरल एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। साउंड आपको मैं आगे चल के सुनाने वाला हूँ। इंजन की ओर देखेंगे जो की आपको हल्के से ग्रे कलर के फिनिश के साथ दिया गया है। इंजन के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे इंजन काउल भी देखने को मिलेंगे, ये भी आपको डुअल टोन कलर में दिया गया है। सिंगल हॉर्न ही देखने को मिलते हैं। क्रैश गार्ड देखे जो की आपको पहले से ही देखने को मिल जाता है, और इसमें जो इंजन यूज किया गया है जो की आपको 249.07 cc के इसमें आपको इंजन दिए गए हैं, जो कि आपको सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक ट्यूब हेल्प के साथ देखने को मिलता है। ऑयल कूलिंग को ही गाड़ी आपको सपोर्ट करने वाली है। माइलेज अप्रोक्स इस गाड़ी से आप 30 से 35 का आराम से निकाल पाएंगे, इससे आपको ज्यादा कभी मिल जाएगा अगर आप इसे इकोनॉमी जोन पे राइड करते हैं तो। और जो टॉप स्पीड है जो कि आपको लगभग 140 का मिलने वाला है। और ये गाड़ी का जो इंजन है जो कि आपको 24.5 PS का पावर एंड 21.5 Nm का ये गाड़ी आपको टॉर्क भी देने वाली है। सफिशियंट आपको पावर एंड टॉर्क देखने को मिल जाएगा। रियर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको नेटवर्क फिटेड आपको यहाँ पे मोनोक्रॉस टाइप के आपको सस्पेंशन दिए गए। यहाँ पे आपको छोटा सा मैट स्लैब दिया गया है। रियर का डिस्क देखेंगे जो कि आपको 230mm के दिए गए, और यहाँ पे भी आपको ABS के प्लेट मिल जाते हैं। और जो रियर टायर है ये भी आपको मोटे देखने को मिलेंगे, 140 सेक्शन का दिया गया है। सेम आपको R15 का जितना मोटाई है टायर का उतना ही आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं, जिससे आपको ग्रिप अच्छा मिल जाएगा। बट ये आपको रेडियल टायर नहीं है, आपको नॉर्मल टायर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखे जो की आपको बड़ा सा आपको यहाँ पे टायर हगर देखने को मिलेंगे। गाड़ी के आप टोटली रियर सेक्शन की ओर आएंगे तो यहाँ पे आपको LED में टेल लाइट देखने को मिलेगा।
स्प्लिट में आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं। रियर में देखे तो आप इसका टेल टाइडी देखेंगे जो कि आपको टोटली मेटल के साथ दिया गया है। यहाँ से आपको कोई भी फालतू की आवाज नहीं फील होने वाले हैं। इधर देखे तो आपको सारी कार के ऑप्शन पहले से मिल जाते हैं। लेडीज फुटरेस्ट आपको बाहर से लगवाने पड़ेंगे। सीट को ओपन करने के लिए इस जगह पे आपको की के स्लॉट मिल जाते हैं। चेन जो है जो कि आपको टोटली खुला दिया गया है। टायर में क्या हवा होना चाहिए वो भी आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। इधर देखे जो कि इस गाड़ी में आपको 5 गियर के आपको ट्रांसमिशन देखने को मिलेंगे जो कि इस गाड़ी के एक आप डिसएडवांटेज मान सकते हैं क्योंकि 250 सीसी के हिसाब से लगभग तो आपको 6 गियर का आपका ट्रांसमिशन जरूरी हो जाता है और साथ साथ आपको लिक्विड कूलिंग भी जरूरी हो जाता है, बट इसमें अभी भी आपको ऑयल कूलिंग के सपोर्ट देखने को मिलेंगे। अच्छी बात यह है कि इसमें आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिल जाते हैं। साइड स्टैंड और मिडिल स्टैंड दोनों ही मिलते हैं और साइड स्टैंड में आपको यहाँ पे साइड स्टैंड कटअप सेंसर के भी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। जब गाड़ी के आप मीटर कंसोल की ओर आएंगे तो यहाँ से आप इम्प्रेस होने वाले हैं क्योंकि इसका जो मीटर कंसोल है जो कि आपको टोटली अपडेट कर दिया गया है, सेम आपको NS200 के जैसा ही दे दिया गया है। आपको फुल्ली डिजिटल में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी देखने को मिल जाता है। साथ साथ इसमें आपको कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट हर एक को आपको यहाँ पे फीचर्स मिल जाएगा क्योंकि इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दिया गया है। इधर देखें तो आपको यहाँ पे TC लिखा हुआ, मतलब इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाते हैं। इधर देखें तो आपको फ्यूल गेज मिल जाएगा, गियर पुश इंडिकेटर मिल जाएगा, डिजिटल में आपको क्लॉक मिल जाएगा, ये आपको टैकोमीटर मिल जाएंगे, ये आपको स्पीडोमीटर दिया गया है। गाड़ी आपको क्या माइलेज दे रही है, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी क्या है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी क्या है और साथ साथ इसमें आपको डिस्टेंस टू एम्पटी के भी फीचर्स मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए इसमें आपको 3 ABS मोड देखने को मिलेंगे। ये आप तो पहला देख सकते हैं जो कि आपको रोड मोड, साथ साथ इसमें आपको ऑफ रोड मिलेंगे और साथ साथ इसमें आपको रेन मोड भी दिए गए हैं। ओडोमीटर, ट्रिप ऑन ट्रिप टू आपको हर एक कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। फीचर लोडेड आपको यहाँ पे मीटर कंसोल देखने को मिल जाएगा, की आपको मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, सिंगल पाइप का आपको यहाँ पे हैंडल बार देखने को मिलेंगे। स्विचेस की ओर देखा जाए तो यहाँ पे भी आपको अपडेट देखने को मिलते हैं। ये आपको मोड वाला स्विच जिससे आप इसके मीटर कंसोल को पूरी तरीके से टॉगल कर पाएंगे। आपको लो बीम और आपको हाई बीम और यहीं पर आपको पासिंग के बटन दिए गए। क्लच देखे जो कि आपको बहुत ही ज्यादा हल्का रखा गया है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड का स्विच और ये आपके हॉर्न के स्विच सिंगल हॉर्न ही देखने को मिलते हैं जो कि इस गाड़ी के एक आप डिसएडवांटेज मान सकते हैं। पल्सर हमेशा से डुअल हॉर्न के लिए जाना गया है। यहाँ पे देखिए तो आपको इंजन ऑन ऑफ करने का बटन, यहाँ से इसका जो लाइट है उसे आप ऑन ऑफ कर पाएंगे और यहाँ से इस गाड़ी को आप सेल्फ स्टार्ट भी कर सकते हैं। इसमें आपको की स्टार्ट के ऑप्शन नहीं देखने को मिलते हैं और यहाँ से इसका मैं आपको साउंड को चेकआउट कराता हूँ। तो गाइस अभी जस्ट आपने इस गाड़ी के एग्जॉस्ट साउंड को सुना, आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इसका जो सीट हाइट है जो कि आपको 800 mm के रखे गए हैं। अगर आपका हाइट 5.6 इंचेज है तब कोस आप इस गाड़ी को कंफर्टेबली चला पाएंगे। दोनों साइड आपका पैर बहुत ही ज्यादा इजिली हटने वाला है और इसका जो वजन है जो कि आपको मात्र 165 kg के ही रखे गए, जिससे कोई भी आदमी इस गाड़ी को कंफर्टेबली चला सकता है। तो अब मैं लास्ट में बताता हूँ कि इस गाड़ी का अभी का ऑन रोड प्राइस क्या पड़ने वाला है। लगभग इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस 1,80,000 rupees रखा गया है, जो कि आपको मैं शोरूम का जो भी डिटेल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैंने कहा इस गाड़ी के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थे इसके डिटेल रिव्यू में वो मैंने आपको हर एक कुछ अच्छे से बता दिया है। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन होता तब को सब कमेंट करके पूछ सकते हैं और साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।